और गांव को तो मैं उठा नहीं दूंगी, सुन ली तुमने, और चौगुना चाहिए मुआवजा। मुआवजे की लड़ाई, जमीन को चौगुना चाहिए, गांव नहीं उठा दूंगी, चाहे मर जाऊंगी। मैं तो ये कहता हूँ, जुमलेबाजी के अलावा इस प्रधानमंत्री ने इस देश को दिया क्या है? क्योंकि आप लोकल के हो, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, तो देखो हम यहाँ एयरपोर्ट आने से हमको कोई ऐसी खुशी भी नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंका 24/7, मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज हम जेवर विधानसभा के गांव नगला हुकम सिंह में आप पहुंचे हैं, जो जाटों का गांव है। यहां कई गांव जाटों के हैं, यहां बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं, बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, माताएं हमारे साथ हैं। हम ये जानेंगे कि क्या है माहौल चुनावों का, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और अब की बार जेवर का विधायक कौन बनेगा, क्या है किसानों का मूड, क्या है युवाओं का मूड, ये सब जानने के लिए आइए हम मिलवाते हैं आपको कुछ साथियों से। कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या समझ है किसानों की, क्या समझ है युवाओं की, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। क्या शुभ नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं विनय कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुंका 24/7 पर। जी, मेरा गांव नंगला हुकम सिंह है, जेवर गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूं। मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जी, बताइए। अब की बार जो है जमीन अधिग्रहण का, इन्होंने सही नियत से 2013 कानून का पालन इस क्षेत्र में नहीं किया है। जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था, जो पहले फेज के लिए, उसमें जो 7 गाँव उठाए गए थे, उनको जमीन अधिग्रहण 2013 के कानून के हिसाब से कोई लाभ नहीं दिए गए। और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मंच से आकर बोला था कि अब की बार जो मुआवजा मिला है इस क्षेत्र के लोगों को, सबसे पारदर्शी मुआवजा मिला है। मैं ये कहता हूँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस अधिग्रहण में हुआ है, इस प्रदेश में, इस देश में। आप बता दो, कौन सा कानून ये कहता है कि गांव तो हमारा शहर है और हमारी जो ज़मीन है वो ग्रामीण है, या हमारी जो ज़मीन है वो शहरी है और हमारा जो गाँव है वो ग्रामीण है। मुआवजा सही नहीं मिला है, किसानों की एक बड़ी समस्या है। आपने बड़े आंदोलन भी किया था मुआवजे को लेकर के, तो क्या मानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं? मैं तो ये कहता हूँ, जुमलेबाजी के अलावा इस प्रधानमंत्री ने इस देश को दिया क्या है? और जब से प्रधानमंत्री जी आए, आप मुझे एक बात बताओ, समस्याएँ क्यों खड़ी हो गई हैं? नोटबंदी की क्या मिला, जरा बता तो दें। अब की बार क्या मूड है क्षेत्र का? क्षेत्र का मूड सरकार बदलने का है, सरकार बदलेंगे अब की बार। यहाँ से कौन विधायक बनेगा? विधायक यहाँ से, विधायक कोई सा भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी जो रुझान चल रहा है, या तो बसपा का चल रहा है या सपा आरएलडी का चल रहा है, और बाकी अब विधायक जो अपना मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता का मूड जो बनाने के लिए कर रहे हैं। चलिए कुछ और जानते हैं, कुछ और साथी हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? बैठिए सर। जगजीत सिंह। बैठिए। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। क्या समस्याएं हैं यहाँ की किसानों की? मुआवजे की बात तो उन्होंने रख दी है, इसके अलावा जो यहाँ फसल होती है वो कौन सी फसल ज़्यादा होती है? गन्ना की फसल। गन्ना की फसल। गन्ना के लिए मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, अगर भुगतान नहीं हुआ तो हम ब्याज देंगे। तो क्या भुगतान हो रहा है? आप कुछ नहीं हुआ, तो क्या मूड है फिर? बदलने की है। बदलने की? हाँ बिल्कुल। और हैं हमारे साथी, कुछ जानते हैं पहले। क्या शुभ नाम है सर आपका? इधर लेंगे थोड़ा सा। जी सर, मैं ईश्वर सिंह, गांव नंगला हुकम सिंह से। हमारे यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अब से पहले भूमि अधिग्रहण की रही हैं, जो हमारी ज़मीन है इन्होंने बिना किसी कानून के मुताबिक कोई भी किसी को मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो गांव है, इन्होंने पहले शहरी घोषित करके और उसका मुआवजा दे दिया, और अब हमारे गांव को विस्थापन करने के लिए ग्रामीण में चेंज कर दिया है, ताकि मुआवजा कम देना पड़े। मुआवजे की बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र में, और यहाँ जो बहुल्य हैं, जो लोग हैं, वो जाट जाति के हैं। कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी का जो एक विचारधारा थी, जो उनकी राजनीतिक सोच थी, उसको भी हम यहाँ देखने की और परखने की कोशिश करेंगे कि चौधरी चरण सिंह के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ अजीत सिंह के ज़माने में नीचे गिरा, और उसके बाद एक नया युवा जयंत चौधरी ने जब इसकी कमान संभाली, तो क्या मायने हैं इसके, क्या राष्ट्रीय दल वापसी करेगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। युवाओं से जानेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार है, और मैं गांव नंगला हुकम सिंह का ही निवासी हूं, और मैं भारतीय बौद्ध महासभा इकाई नंगला हुकम सिंह, करौली बांगर, गौतम बुद्ध नगर, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, उसका मैं सांस्कृतिक सचिव भी हूं। जी। हमारी सबसे पहले जो समस्या है वो गांव को विस्थापन को लेकर है।
हम लोग अपने गांव का विस्थापन बिल्कुल नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि जयंत अब की बार राष्ट्रीय लोक दल की वापसी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि चलो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि सपा के साथ गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। हर आदमी को अपना अलग तरीका होता है फाइट करने का, तो मेरा तो यही कहना है कि अब के बीजेपी सरकार इस क्षेत्र से सफाया होकर जा रही है यूपी से। ऐसा क्यों मानते हैं अब आप भाजपा के को सफाया कर रहे हैं? अंकल जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रामचंद्र पाल है। रामचंद्र पाल, हाँ, नगला कौन सिंह। नगला हुकम सिंह से हैं आप। बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सारी सरकारों को बदलते देखा है। चौधरी चरण सिंह के समय भी आपने वोटिंग की होगी। एक माहौल हुआ करता था जाट जब एक तरफा वोटिंग किया करता था, बीच में जब अजीत सिंह हुए तो थोड़ा सा माहौल खराब हुआ, जाट भटके, कोई कहीं गया, कोई दूसरी जगह गया। अब की बार आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी चरण सिंह की राजनीति की विरासत को वापस कर पाएंगे? चौधरी की वोट जानी चाहिए, भाई के लिए जानी चाहिए। अब अगर एक मूड की बात है जी, टाइम पे आदमी बदल जाए वोट। आपका मत अब की बार किधर जाएगा? मत तो बस्ती के ऊपर, जैसे बस्ती जाएगी सब उधर जाएंगे। चौधरी चरण सिंह साहब को जाएंगे, जैन साहब को जाएंगे, मत जोन साहब को। जी सर बताइए। हाँ, आरएलडी जिंदाबाद है जी, सरकार बदलेंगे, बीजेपी सरकार हटाएंगे और दूसरी सरकार। जिंदाबाद आरएलडी, जिंदाबाद जी सर। जैन चौधरी जिंदाबाद। जैन चौधरी जिंदाबाद। जैन चौधरी के बहुत सारे समर्थक हैं। आइए एक और नए मुद्दे पर बात करेंगे। 13 महीने तक 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने उस आंदोलन के अंदर बहुत चढ़बढ़ कर हिस्सा लिया। 750 किसानों की शहादत हो गई। किसान सरकार झुकी, 3 कृषि कानून वापस हुए, लेकिन क्या अब वो किसान इस बात से सहमत हैं कि सरकार के किसान वापसी के बाद क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? इस पर क्या कहना है किसानों का, आइए कुछ से जानते हैं। जी बताइए सर, 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, अभी किसानों का मूड क्या है, कि भाजपा को वोट करें या बदलाव? देखो जी, भाजपा को यहाँ कोई भी मतलब वो नहीं है, औचित्य नहीं रहो, क्योंकि उसने ये एक नारा दिया था के सभी का विकास, सभी का विश्वास और सभी का साथ, लेकिन आज तक ये बिल्कुल बेकार रहा है। यहाँ हम भी दलित समाज से हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, और आज भी हमारे जो रास्ते हैं वो आज भी खंडित पड़े हैं, कोई विकास नहीं हुआ। दूसरी, हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने हमको भूमि दी, हम जाटो समाज से हैं, 15 बीघे 1968 में हमें ज़मीन मिली, और वो एक ऐसे महान नेता थे जो जाति धर्म से उठ के उन्होंने राजनीति करी और सभी दलितों को अपने साथ जोड़ा। वो एक बहुत धन्यवाद, हम उनका आज भी उनकी पूजा करते हैं अपने घर में। महान नेता हुए वो देश के, और हम उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। विकास नहीं हुआ, ये दलित समाज से हैं, और दलित समाज भी ये मानता है कि अब की बार आरएलडी को सपोर्ट करना चाहिए। माताजी हमारे साथ बैठी हैं, जानेंगे महिलाओं के बारे में, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, क्या पुरानी सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ किया है। कहा जाता है माताजी कि गर्भवती महिला के लिए कॉल करेंगे, गाड़ी आएगी, उसको खर्चा भी मिलेगा, पूरा का पूरा उसको लाने और ले जाने की व्यवस्था भी होगी। क्या आपके गांव में ऐसी कोई व्यवस्था होती है गर्भवती महिलाओं के लिए? नहीं होती। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरह की कोई सुविधा आपको मिलती? नहीं होती। और गांव को तो मैं उठा नहीं दूंगी, सुन ली तुमने? और चौकना चाहिए मुआवजा, मुआवजे की लड़ाई है, जमीन को चौकना चाहिए, गांव नहीं ठन दूंगी, मर जाऊंगी। ये है सिचुएशन गांव की। मुआवजे को लेकर के बहुत बड़ी बात यहां की गई है। जैसा कि कहा जाता है कि जेवर में एयरपोर्ट आया है, बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, यहां बहुत सारी कंपनियां आएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जानते हैं युवाओं से कि युवाओं के साथ रोजगार की क्या समस्या है? यहां पर रोजगार लगेंगे, बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी, क्या आपको लगता है आपको रोजगार मिलेगा उन कंपनियों में? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश बरुआ है और मैं गांव नगला हुकम सिंह से हूँ। देखिए जी, रोजगार की बात तो ऐसी है कि पहली बात तो ये, अब हम आ गए भी धनकोर की तरफ, जो कंपनियां हैं उनमें भी जाकर देखते हैं ना, तो उसमें भी लगे हुए हैं कि आप लोकल के हो, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो देखो, हम यहाँ एयरपोर्ट आने से हमको कोई ऐसी खुशी भी नहीं है, तो क्या है, देश का विकास हो रहा है, लेकिन इससे हमारा कोई विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोकल का कोई जॉब ही नहीं है या नहीं, इससे अच्छा तो देखो यही है, हम अपनी यही मांग करेंगे कि जो हमारी यहाँ से जो आस पास की गाँव के पास में जो हमारी ज़मीनें हैं उनका 4 गुना मुआवजा दे गवर्नमेंट हमें, तब हम खुद का अपना बिजनेस देखेंगे। कोई जैसे देखो, हमें कोई फ़ायदा है नहीं।
खुद का अपना बिजनेस देखेंगे, बोर्ड लगा दिए जाते हैं, 200 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी युवा इन कंपनियों में, यहाँ के आए हुए इन कंपनियों में उनको रोजगार नहीं मिलेगा, ये बात अच्छी तरह से युवा समझता है। और युवा ये मांग करता है कि हमें कम से कम 4 गुना मुआवजा मिले ताकि हम अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने खुद के कारोबार जमा सकें। दूसरी बड़ी मांग ये करते हैं कि हमें कम से कम यहाँ लोकल होने की वजह से, क्योंकि किसानों की जमीनें गई हैं, हमें कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, इसकी कोई गारंटी दे। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? देखिए, रोजगार तो यहाँ पे कंपनी में भी ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर जाते हैं हम शिक्षा के आधार पे भी नौकरी लेने, तो वो लोग 50 किलोमीटर दायरे से अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो उसको ही जॉब है, गौतम बुद्ध नगर के लिए तो है ही नहीं। और रही एयरपोर्ट की बात जॉब की, तो अब बाउंड्री का काम चल रहा है, एक भी मजदूर अगर इस क्षेत्र का हो तो आप जा कर के देख लो, एक मजदूर नहीं है यहाँ का। तो आगे एयरपोर्ट में एक बढ़िया नौकरी देने का प्रस्ताव तो छोड़ ही दो। दूर की बात है, दूर की बात है, दूर की बात है जी सर। गवर्नमेंट लिखित में कुछ भी नहीं देना चाहती है, नथिंग, कुछ नहीं दे रहे लिखित में। अगर इनसे बोलते हैं हमें लिखित में दे दो नौकरी, नौकरी लिखित में नहीं दे रहे। और जो प्लॉट दे रहे हैं उनकी भी रजिस्ट्री नहीं है, कभी भी लात मार के भगा देगी। माता जी कुछ कहेंगी? हाँ बता देंगे। पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। मेरा नाम मनीष चौधरी है, गाँव नंगला हुकम सिंह है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, एक तो मुआवजे को लेकर है और गाँव के विस्थापन को लेकर है। हम वोट उसे करेंगे जो हमारी इन मांगों को पूरा करेगा। और क्या लगता है कौन आपकी मांगों को पूरा कर सकता है? क्योंकि आज मांगों की बात तो हमने ये तो देख लिए, अब जो है करंट में इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, अब आगे देखते हैं विचार बनता है क्या बनता है। ये पूरा गांव कंपनी आती है यहाँ पे हमारी जमीन पे आती है, उनमें कम से कम जो भी कंपनियां, जो भी बड़ी कंपनियां, MNC जो भी आ रही हैं, कम से कम उसमें 20% क्षेत्रीय युवा को नौकरी का आरक्षण देना चाहिए। यहाँ पे जब आधार कार्ड दिया जाता है तो हमें आधार कार्ड के बेसिस पर निकाल दिया जाता है, बोलते हैं कि आप युवा यहीं से हो, लोकल हो, आप कंपनी का कोरम बिगाड़ रहे हो। लेकिन अगर जब हमारी ज़मीन जा चुकी है, रोजगार है नहीं, पैसा कितने दिन टिकेगा, तो कम से कम 20% जैसे हरियाणा में हुआ है। हरियाणा सरकार ने बोला है, कांग्रेस सरकार उसने हुड्डा ने, कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं जो फरीदाबाद क्षेत्र है उसके जितने भी स्थानीय युवा हैं उनको कम से कम कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में भी 20% आरक्षण दूंगा। तो वही हमारी मांग है कि जो जितने भी हमारे यहाँ युवा है तो उनको 20% या 25% जो भी कंपनी कोरम है उसे आरक्षण मिलने जाना चाहिए। युवा चाहता है कि यहाँ सरकार कम से कम इस बात की गारंटी दे कि उसको कम से कम 20% का आरक्षण मिले, इसी बिहाब पर वो अपना निर्णय करेंगे। और वो चाहते हैं कि कम से कम किसानों की जमीन गई है, कम से कम हमें 20% का आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। जी सर बताइए, कुछ कहना चाहते? हाँ, थोड़ी सी और बात कहना चाहता था। हो रहा किसानों पे अत्याचार, कहाँ सो रही ये सरकार? हो रहा किसानों पर अत्याचार, हो रहा किसानों पे अत्याचार, कहाँ सो रही ये सरकार? अब की बार किसान समर्थित सरकार, RLD की सरकार। माहौल बिल्कुल गर्म है, हम इस जगह पर हैं, हमारे बिल्कुल पास में जेवर एयरपोर्ट है। कहा जाता है कि जेवर एयरपोर्ट बन जाने की वजह से देश का नाम होगा, जेवर का नाम होगा, लेकिन क्या वास्तव में जेवर के युवा का विकास होगा, क्या वास्तव में जेवर के किसानों का विकास होगा, ये अलग बात है, देखना आगे होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, नतीजे इस बात के निर्णायक साबित होंगे कि विकास किधर जाएगा। अभी हम इस गाँव में थे, युवाओं से बात की, किसानों से बात की, समस्याएँ बहुत हैं, माहौल बन रहा है, चुनाव नज़दीक है, धीरे 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 अब स्थिति क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। अब किसान और युवा अपना निर्णय लेने के मूड में है, अब की बार सरकार बदलने का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पड़ताल पर हम जारी रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम कुछ और लोगों से आपको मिलवाएंगे। तब तक हम लेते हैं विदा, नमस्कार।